ये कोई फैशन नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, ये कोई शौक नहीं, ये कोई सैर व तफरी नहीं, ये इबादत है। और इबादत और आदत में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है। आदत में एक नुक्ता लग जाए तो इबादत, और इबादत से एक नुक्ता उतर जाए तो आदत। बस वो रस्म है, फॉर्मेलिटी है, चले गए, हो आए, फिर आए, देख आए, टाइटल लग गया कि फलां अब हाजी साहब हो गए। जब भी अपना नाम बताएंगे ये नहीं कहेंगे शब्बीर अहमद, कहेंगे हाजी शब्बीर। दुकान पे बोर्ड लगा देंगे भाई ये हाजी, इसलिए थोड़ा ही आज लोगों के लिए थोड़ी किया था कि लोग हमें हाजी साहब कहें। तो कुरान ने कहा वलिल्लाहे, शुरू ही यहां से किया है। आज किसके लिए? अल्लाह। यही इखलास है, इखलास फिल हज। कोई अमल जो इखलास से खाली है वो बेकार है, वो जिसमें बेरू। इब्तिदा यहां से की वलिल्लाह, अल्लाह के लिए लोगों पर हज। और फिर उनमें भी मनिस्तता, जो इस्तेतात रखता। और एक ही बार जिंदगी में हज फर्ज किया गया। फिर फरमाया फमन का फराबाद अदाले का फैनल्ला वनी, जिसने कुफर किया, लफ्ज़े कुफर आया कुरान में, मन का फरा फैनल्ला वनी अनिल आलमीन। दो माने हैं इसके, एक तो जिसने इनकार कर दिया हज का, ये हज क्या करना है जी कारी साहब, ये किसी गरीब की मदद कर दो, कुर्बानी क्या करनी है, किसी हॉस्पिटल में पैसे दे दो। तो ये शरीयत का और दीन का मुतबादिल दे रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दे रहे हैं कि जनाब ये क्या गैर जरूरी चीजें आपने रखी हुई, माज अल्लाह, इनकी बजाय ये कर देते तो ये तहरीफ दीन है, दीन बदल दिया उस शख्स, उसका ईमान गया। अगर इस तरह इनकार कर दिया, एक इनकार ये सरी इनकार है, एक खामोश इनकार है, पैसे हैं, खराजात हैं, जराए हैं, इस्तेतात है, चलो कर लेंगे जी कोई बात नहीं। उसकी तफसीर इस आयत की नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी ज़बाने वही तर्जुमान से फरमाई, वमान काफरा वइन्नल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन। इसकी तफसीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जिसने इस्तेतात के बावजूद हज न किया, इस्तेतात थी, जराए थे, असबाब थे, फिर टालता रहा हीले बहाने से, ये कर लूं वो कर लूं, बुढ़ापे का इंतजार करता रहा, जो यहां का फैशन है बदनसीबी हमारी, इस खित्ते की बदबख्ती। पूरी दुनिया जवानी में हज करती है, यहां जब बाबा चलने के या अम्मा काबिल न रहे, कुछ दिखाई न दे, फिर कहते हैं चलो अब हज कर रहा। बच्चे ब्याते ब्याते बूढ़े हो जाए, पहले बच्चे ब्याते हैं, बच्चे अपने पांव पे खड़े हो जाएं, वो हज हज रहते ही टालता रहा। इस्तेतात के बावजूद फरमाया जिसने हज नहीं किया वो यहूदी हो के मर जाए या ईसाई हो के मर जाए, हमें उससे कोई। कुरान ने इसके लिए लफ्ज कुफर कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मजीद तफसील और तफसील फरमा दी कि ये यहूदी मर जाए या ईसाई मर जाए, हमें कोई गरज नहीं। यानी ऐसे शख्स का खात्मा ईमान पर मशकूक हो जाता, वो ईमान की निस्बत कुफर के ज्यादा करीब हो गया। इसलिए कि हज कोई आम इबादत नहीं है, हज फरीजा है, मशरूत है, हर एक पे नहीं और बार बार नहीं, कुल से
जिंदगी में सिर्फ एक बार, और ये शाने ज़बाने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इख्तियारते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब आपने हुक्म हज बयान किया कि लोगों तुम पर हज फर्ज किया गया है, वलिल्लाहि अलन नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, तो मजमे से आवाज आई अकुल्ला आमिन, कहा जी हर साल फर्ज है, तो आका अली सलाम खामोश हो, फिर कहा हुजूर हर साल फर्ज है, फिर खामोशी इख्तियार फरमाई, फसकता खामोश हो। जब तीसरी बार पूछा तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ कुल्तु नाम लवजबत, फरमाया लोगो अगर मैं हां कह देता तो ये हर साल फर्ज हो जाता। वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, दीन क्या है, कौलो फेले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना आताकुम रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, फरमाया जो ये मेरे हबीब दें वो ले लो, जिससे मना कर दें उसे रुक उसे छोड़ दो, यही दीन है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और इख्तियार है, फरमाया लो कुल तो नाम, तुमने जो पूछी जा रहे हो पूछी जा रहे हो, अगर मेरी जबान से हां निकल जाता तो फिर हर साल फर्ज था। ये उम्मत पे आका इस्लाम की शफकत और मेहरबानी, तरावी जैसी प्यारी नमाज मुस्तकिल इसलिए नहीं पढ़ी कहीं रब को अच्छी लग जाए, रब को मेरी अदा पसंद आ जाए तो मेरी उम्मत पर भी फर्ज न कर दी, कसदन छोड़ दी, तीन दिन पढ़ने के बाद दोबारा तशरीफ नहीं लाए, उम्मत पे शफकत मेहरबानी। ये जो 20 को बेचारे 8 करके पढ़ते हैं, अभी सुन्नत है, अगर फर्ज हो गई फिर क्या होगा। तो हज के मामले में भी यही फरमाया कि ये हर एक पर और हमेशा फर्ज नहीं, बल्कि इस्तेताअत हो तो जिंदगी में एक बार फर्ज किया गया, और जिस पर फर्ज हो जाए उस पर लाजिम है कि वो सारे काम छोड़े और पहले हज कर दे, बुढ़ापे का इंतजार न करता रहे और इस अहम और अजीम इबादत को टालता न रहे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ या अय्युल अमल अफजल, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल अमल क्या है, फरमाया ईमान बिल्लाह व रसूलिह, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। फिर अर्ज किया हुजूर उसके बाद, फरमाया जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर पूछा हुजूर उसके बाद, फरमाया हज मबरूर, एक लफ्ज आता है हदीस में बार बार, मन काम रमदाना ईमानन व एहतिसाबा, मन साम रमदाना ईमानन व एहतिसाबा, सिर्फ ईमान नहीं, जिसने ईमान व एहतिसाब के साथ रमजान के रोजे रखे, जिसने ईमान व एहतिसाब के साथ रमजान का कयाम किया, मन काम लैलतुल कद्र ईमानन व एहतिसाबा, जिसने शबे कद्र में ईमान व एहतिसाब से कयाम किया, गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बे, फरमाया उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते। हम लोग गौर नहीं करते ये एहतिसाब क्या है, जो पिछले दिनों आपने गुफ्तगू सुनी, जिंदगी भर आप ये लफ्ज सुनते रहे होंगे और आगे भी इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे ये हदीसें ये अल्फाज, और अक्सर होता है हम सुनते रहते हैं बहुत कम समझते हैं। एहतिसाब का मतलब है इखलास, पूरी प्योरिटी के साथ जब उसने इबादत की और रमजान गुजारा तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। ऐसे ही जब हज की बारी आई तो सिर्फ हज नहीं फरमाया,
सबसे अफजल अमल फरमाया हज मबरूर, जिसने ऐसा हज किया जिसमें उससे कोई गुनाह सरजद ना हो, मकबूल हज। हज करना काफी नहीं है, हज का मकबूल होना जरूरी है। और हज मबरूर की शान क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़दलुल अमाल इंदल्लाह तआला इमान ला शक फीही, फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल अमल ऐसा ईमान है जिसमें शक ना हो, और ऐसा जिहाद है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई खयानत ना हो। और हज मबरूक, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हज मबरूर वो है तो कफ्फिरु खताया सनतिन, हज मबरूर जब अदा हो जाए तो पिछले एक साल के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। और हज मबरूर की एक जाहिरी निशानी हदीस पाक में बयान हुई, फरमाया बिरल हज इत्ताम उत्ताम वतीबुल कलाम व इफ्शा उस्सलाम। ये बड़ी अहम बात है समझने की, तीन चीजें कुरान ने शर्त रखी हैं जो छोड़नी है। हज मबरूर सिर्फ कुछ करने का नाम नहीं है, कुछ छोड़ने का नाम है। और कुल तीन ऐसा ही, लेकिन होता क्या है हम बड़ी मार का मारें तो अब ये सीख लेते हैं करना क्या है, ये नहीं सीखते क्या नहीं करना। जिसे कुरान ने कहा फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज, तीन चीजें अगर छोड़ दे तो हज मबरूर नसीब होगा, ना उसके अंदर कोई फोहश कलामी हो, ना उसके अंदर कोई नाफरमानी गुनाह हो, और ना उसके अंदर झगड़ा और लड़ाई हो, जिदाल जो आपस में हाजी कर रहे होते कैंपों में बसों में आते जाते। इसलिए कुरान ने खास तौर पे इस लफ्ज को रखा है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो करने के तीन काम है वो बता दिए। पहला क्या है, फरमाया खाना खुद ही नहीं खाई जाना, अपने साथियों को भी खिलाना, दूसरों को खाना खिलाना। नंबर दो तीबुल कलाम, मीठा बोल बोल, जो बड़ा नायाब होता है आज तो नरम और मीठा बोल बोलने वाला हाजी बड़ी मुश्किल से मिलता है। हर हाजी में एक जलाल चढ़ा होता है एहराम बांधने के बाद, कोई किसी को गालियां दे रहा है, कोई किसी को बुरा कह रहा है, कोई किसी को लड़ रहा है, गिले शिकवे लड़ाइयां झगड़े। और मुझे हैरत इस बात की है कि हज से पहले तो समझ आती कि इस बेचारे ने अभी हज करने हैं, हज करने के बाद भी नहीं मालूम। इसका मतलब यह है कि तालीम और तरबियत में कमी रहती है, आज सीखा ही नहीं। जानेंगे एक ही तो बार करना है, और हज ऐसी इबादत है कि जिन बुजुर्गों ने हज पर किताबें लिखी, अपने मुल्कों शहरों में बैठ के मनासिक हज पे तहकीकात करते रहे, किताबें और मसाइल लिखते रहे, जब खुद मक्का पहुंचे तो तवाफ उल्टे शुरू कर दिए। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उन्होंने मनासे के हज पे सबसे बड़ी किताब लिखी, जब खुद गए तो तवाफ उल्टा कर रहे। वहां को बच्चे खेल रहे थे, उनका हाजी साहब आपने मुल्ला अली कारी की किताब नहीं पढ़ी कि तवाफ का तरीका ही सीख लेते तो। फरमान लगे बेटा मैं खुद ही मुल्ला अली कारी हूं। ये ऐसी ही बात है, सिर्फ किताबों से रट रट के
या ये जो तरबियती कैंप होते हैं उससे नहीं, बहुत गौर से बहुत बारीकी के साथ जैयद उलमा के पास बैठने और बार बार जाने से। ये नहीं मोबाइल पे फोन कर लिया, बाज दफा बताने वाला ही भूल जाते, वैसा मसला थोड़ी है कि हर वक्त कोई बंदा पूरे मनासे के हज हिफ्ज करके बैठा। ये भी आदाब के खिलाफ है। खुद चल के जाओ, सीखो और पूछो, इसलिए कि हज ऐसी इबादत है कि इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हो के उस्ताद जब हज पे रवाना हुए तो काफिला कूफे के करीब रोका, रुका तो आपने फरमाया मैंने इमाम अबू हनीफा से मिल गया। उनका जी वो तो आपके शागिर्द हैं, आप उस्ताद हैं। फरमाया नहीं, मनासे के हज के मसाइल जितने अबू हनीफा जानता है रूए जमीन पे कोई नहीं। इमाम आमश रहमतुल्लाह अपने शागिर्द के पास गए, वहां रुके, वहां रहे और पूरे मनासिक उनसे सीख के फिर जाके हज किया। आज ऐसी इबादत है बहुत बारीकी से, खासतौर पे आज के दौर में मसाइल और बड़े बढ़ चुके हैं, बारीकियां और जुजियात आ चुके हैं। तो तीन चीजें फरमाया ये करो, इताम उताम, दीबुल कलाम और इफ्शा उत्साह। एक तो नरम बोल बोलना, मीठा बोल बोलना, हंस के बोलना, किसी से अगर कुछ कोताही हो भी गई है उससे दरगुजर, क्योंकि ये होगा, लाखों लोग जमा हैं, बहुत कुछ होगा। जो लेके गए होते हैं उनसे भी बड़ी कोताहियां एजेंटों से हो रही होती हैं। जब तरबियत बंदे ने सीख हासिल की हो फिर वो इन चीजों से बचता है। तीसरी चीज फरमाए इफ्शा और सलाम, आते जाते वाकिफ ना वाकिफ हर एक को सलाम करते जाओ, उससे क्या होगा, सलामती फैलेगी, सलामती आम होगी। जब तुम कहोगे अस्सलाम वालेकुम तो वो क्या कहेगा, वालेकुम सलाम। तो ये सलामती आम होगी। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करने लग जाओ। लन तदखुलुल जन्नता हत्ता अहबबतुम, फरमाया जब तक मोहब्बत न करने लग जाओ आपस में एक दूसरे से। और उस मोहब्बत का ये नुस्खा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अता किया। फरमाया मोहब्बत कैसे पैदा होगी, उसकी इब्तिदा सलाम है, जिसे हम छोड़ चुके हैं इल्ला माशाअल्लाह, और करें भी तो बड़े गलत तरीके से करते हैं। ये गलत तरीका है जो आप बैठे हुए हैं, ये मस्जिद है, यही हम करते हैं रोजमर्रा। और हज तो फिर हज आजाद हो जाते हैं। इबादत एक जुज़वक़्ती पाबंदी का नाम है जिसको हमने फॉलो करना, कहीं भी इनफिरादी हो, इज्तिमाई हो, मस्जिद में हो, मस्जिद से बाहर हो, मक्के में हो या मदीने में, रूह है इबादत। ये जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है रोजे की, हज की, एतकाफ की, वो इसीलिए कि ये नफ्स का सरकश घोड़ा जो आदि है अपने अंदाज से बैठने का, हर चीज अपने अंदाज से करने का और इबादत को भी आदत बना के करने का, उसको सुधारने का नाम इबादत है। क्योंकि ये अल्लाह के मुकाबले में खड़ी होने वाली एक कुव्वत है जो आपके अंदर है। तो नमाज में भी सिर्फ सर झुकना होता है, वो अंदर से नहीं झुकता, क्योंकि ये मजबूरी है, इसके बगैर नमाज होगी नहीं। और अल्लाह सर को तो देखता ही नहीं, अल्लाह झुके हुए माथे को नहीं देखता। अल्लाह तो वला के यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला नियातिकुम, ये अंदर से भी झुका है कि नहीं, अंदर से बुत तो वैसे